या इस क्रिएचर आपको अगर हॉरर क्वीन कहा जाए तो आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? आप लोग कुछ भी कह लो, मेरी पिक्चर देख लो बस. हॉरर क्वीन, स्क्रीम क्वीन, जस्ट कॉल मी एनीथिंग. द ट्रूथ इज दैट आई हैव डन अ लॉट ऑफ सुपरनैचुरल फिल्म्स एंड ऑल काइंड्स ऑफ फिल्म्स विद द एलिमेंट ऑफ फियर. और क्रिएचर इज अ क्रिएचर फिल्म. इट्स डिफरेंट फ्रॉम घोस्ट्स एंड स्पिरिट्स एंड द सुपरनैचुरल, बट still the element of fear is very eminent. So yeah, you call me anything, fear goddess, just give me any new name, I'm happy. But Vikram ji, aap se jana chahenge, aapne kaha ki aap horror chhod ke aage padhna chahte hain creature film mein, lekin dara to aap yahan bhi rahe hain, chahe creature ke through darein ya bhoot ke through darein. Actually baat dar ki nahi hai, baat thrills ki hai. Dar hum log samajhte hain ki thrill hona bhi darna hi hai. जैसे ये सारी फिल्में वर्ल्ड ओवर, ये सारी यूए फिल्म्स होती हैं, दे आर नॉट हॉरिफाइंग, दे आर थ्रिलिंग. और इन दोनों चीज़ों में काफ़ी फ़र्क है. जैसे हम लोग किसी मर्डर मिस्ट्री को देखते हैं तो ये सोचते हैं कि अब आगे क्या होगा, ये बात से हम लोग डरते नहीं हैं लेकिन टेंस होते हैं. सो दीज आर टेंशन फिल्ड फिल्म्स, सो दे आर नॉट हॉरिफाइंग फिल्म्स दैट वे. सवाल ये है कि लास्ट फिल्म में आपने बोला था कि एक वर्ड यूज किया था आपने, फट्टू, मैं बहुत बड़ी फट्टू हूँ एंड मुझे बहुत डर लगता है एंड जब शूटिंग के बाद घर जाती हूँ तो भी दोस्तों को बुला लेती थी, डर लगता था वगैरह. स्टिल इस शूटिंग के दौरान भी कुछ ऐसा ही था? देखिए, हम लोग ऊटी में शूट कर रहे थे तो ऊटी का, यू नो, इट्स क्वाइट, इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस बट लुक्स क्वाइट स्कैरी इन द नाइट्स. और मैं तो ऐसे ही डरती हूँ तो हाँ, मुझे वहाँ पर भी डर लगता था. एंड इट्स नथिंग न्यू, यू नो, दिस राइट फ्रॉम द फर्स्ट टाइम विक्रम ने मुझे एक कहानी सुनाई थी राज, और मैं मुकेश जी के ऑफिस में चेयर से उल्टा गिरी थी. वो तब से लेके आज तक वो ट्रेडिशन चल रहा है, मैं बहुत डरती हूँ. कुछ रातों का वाकया अगर आप शेयर करना चाहें, कभी डर लगा हो ऊटी की शूटिंग के दौरान? हम लोग एक्चुअली बहुत थक जाते थे शूटिंग में. मैं सबसे पहले जाके सो जाती थी क्योंकि सुबह 5 बजे उठ के मैं एक्सरसाइज करती थी बिफोर कमिंग टू सेट. So actually this film kept me very busy. मैं उतना डरी नहीं हूँ on schedule. And creature जो दिखता नहीं था उसके सामने act करने का अगर कुछ experience you want to share? बहुत मुश्किल था. I think इसलिए मैंने कहा विक्रम की guidance बहुत ज़रूरी थी इस film में, because it was something that I could not do. And हर shot को हम almost 3 बार करते थे because of all the measurements and for the cameras and all the technical things. You can ask Vikram about it. So it was quite an exhausting film for everybody because everybody worked really hard and none of us knew what's going to finally come of it. Ki kya banega creature, kaise banega, hum log, you know, theek tarah se react kar rahe hain ki nahi. So it was a interesting experience. I've not done a film like this before and I'm glad I got the chance to do so. क्रिएचर के अलावा हम कहाँ देखने वाले बिपाशा को? एक्चुअली अभी एक फिल्म अलोन की शूटिंग चल रही है और उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. थैंक यू. एक चीज़ और. हाय एवरीबॉडी, आई एम शाहरुख खान. वॉच मी ओनली ऑन facebook.com/businessofcinema.